नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। आरटीओ विभाग द्वारा आरटीओ बैरियर्स पर ट्रक वालों से खुलेआम अवैध वसूली की शिकायतें कोई नया विषय नहीं है, और जब इनकी इस अवैध वसूली का किसी ने पर्दाफाश किया तो हमेशा आरटीओ विभाग ने कानून की धारा 353 का उपयोग करके अपने इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की है, जिसका ताज़ा उदाहरण बंटी सेलके का है, जिन्होंने मंसर आरटीओ बैरियर्स पर अवैध वसूली का भंडाफोड़ किया, लेकिन आरटीओ विभाग ने उन पर धारा 353 का मुकदमा दर्ज करा दिया। यह मुकदमा इस समय महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में तीन दलों की सरकार होते हुए और देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा बार बार इन आरटीओ बैरियर्स को बंद करने के निर्देश देने के बावजूद आरटीओ विभाग की अवैध वसूली खुलेआम शुरू है, और नेताओं व अधिकारियों को सब जानकारी होते हुए भी कोई इस अवैध वसूली पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा है, यह सोचने का विषय है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज बाड़ी वर्धामना के काफ़ी ट्रक सप्लायर व ट्रक चालक मालिक इकट्ठे हुए और बंटी सेलके के समर्थन व भ्रष्ट आरटीओ अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग राज्य सरकार से की। वह बंटी सेलके के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन को और तेज करने का इशारा दे दिया। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि बाड़ी के ट्रांसपोर्टर क्या कहते हैं। नागपुर आरटीओ का जो भ्रष्टाचार है, आरटीओ बैरियर्स पर हो चाहे जिस भी तरीके से हो, वो किसी की छुपावा नहीं है, और उनका विरोध करने वालों पर जो उनकी अवैध वसूली के खिलाफ सभी भी विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो हमेशा से उनका एक तरीका रहा है उसको दबाने के लिए 353 का सहारा लेते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने बंटी भाऊ शेलके के साथ में जो ज्यादती की है, वो पूरे महाराष्ट्र में और पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंगारी बन के उभरी है। सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है कि हम सभी लोग किसी ना किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, लेकिन ये समझ नहीं आता कि जो आरटीओ की जो अवैध वसूली की जो बीमारी है, नासूर जो है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, वेस्ट बंगाल हो, सब जगह चल रहा है। तो जो ये नेता लोग बड़े बड़े चुनावी वायदे करते हैं कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो क्या इनको जो रोड पर हो रहा भ्रष्टाचार है वो दिखाई नहीं देता? हमारा सवाल सिर्फ यही है, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे कांग्रेस शासित जो छत्तीसगढ़ है, उन सभी से हमारा सवाल एक ही है, और उनके वरिष्ठ नेताओं से भी हमारा सवाल एक ही है कि उनका ये भ्रष्टाचार क्या सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित है, और इन ये जो खुलेआम जो ट्रक वालों के साथ में जो मारपीट करके जो अवैध वसूली की जाती है, उन पर जो सरकारें हैं वो कोई नियंत्रण नहीं लगा सकती? आज बंटी भाऊ शेलके जी के इस आंदोलन में हम सभी बाड़ी वर्धामना के ट्रांसपोर्टर एकत्रित हुए हैं, और बंटी भाव के साथ तन मन धन से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जब बंटी भाव जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद की जो कार्रवाई रहेगी उसमें सभी ट्रांसपोर्टर भाई, ट्रक चालक मालक, उनका साथ देंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस मौके पर टीओबीए अध्यक्ष महेश शर्मा, बीटीटीडब्ल्यूए महाराष्ट्र प्रभारी राकेश अग्रवाल, वाहतूक संघ नागपुर जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा, रामदिया शर्मा, मनोज सिंह, अखिलेश सिंह, कपिल यादव, नीटू चटवाल, उमेश सिंह चौधरी, नंदू शर्मा, सतीश शर्मा, उदय व अन्य काफ़ी ट्रांसपोर्टर व्यवसायी वहां मौजूद रहे। अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि सब अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, लेकिन गाड़ी मालिक इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा दूसरों के लिए कमा कर देता है, लेकिन गाड़ी मालिक बर्बाद है, अपनी वजह से हो रहा है, और क्यों? क्योंकि एकता नहीं है, इसलिए बर्बाद है। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एनटीवी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।